गुड मॉर्निंग एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। हाउ आर यू ऑल? होप ऑल ऑफ यू आर फाइन एंड सेफ एट होम, बिकॉज वी शुड स्टे एट होम, सेफ एट होम। लुक एट माय प्ले ग्रुप स्टूडेंट्स, आज मैंने आपके लिए एक बोर्ड रेडी किया है। बहुत ही एम्प्टी बोर्ड लग रहा है, लेकिन आप ज़रा उसमें देखें, मैंने कुछ नंबर्स को इसमें पेस्ट किया हुआ है। कौन से नंबर्स पेस्ट किए हैं मैं? ये आज मैंने जो नंबर्स पेस्ट किए हैं, आज मैं आपको इन नंबर्स की सेल्फ राइटिंग बताने लगी हूँ। पहले तो हम लोग डोर्स पे राइट करते रहे हैं ना, आज मैं आपको आपकी नर्सरी प्रैक्टिस के लिए सेल्फ राइटिंग बताने लगी हूँ, जो आप लोगों ने घर पे सेल्फ राइटिंग की प्रैक्टिस करनी है, ताकि आपको जब आप नई क्लास में जाओ तो आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। आप ये ना कहो कि टीचर आपने तो ये बताया नहीं था कि इसको कैसे राइट करना है, इसको कैसे राइट करना है, तो आपने नहीं बताया था, इस वजह से मुझे नहीं आता। नहीं, मेरे प्ले ग्रुप स्टूडेंट्स तो गुड स्टूडेंट्स हैं, उनको जैसे जैसे टीचर बताती हैं, मेरे प्ले ग्रुप स्टूडेंट्स उसको लर्न करते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो आप देखेंगे, सबसे पहले मैंने कौन सा नंबर राइट किया। हम नंबर्स को रीड करते हैं। विच नंबर इज दिस? वन। विच नंबर इज दिस? वन। विच नंबर इज दिस? टू। Which number is this? 3. Which number is this? 4. Which number is this? 5. Again mere sath read kare. 1 2 3 4 5। आज हम लोग अपने 5 नंबर्स तक इनकी रीडिंग करते हैं और इनकी सेल्फ प्रैक्टिस करेंगे। कैसे प्रैक्टिस करेंगे सेल्फ प्रैक्टिस, आप मेरे साथ जरा देखिए, मैं 1 कैसे राइट करने लगी। आते कॉपी पे एक डॉट होगा, अगर आपकी जब आप नर्सरी में जाते हो, जब आप बड़ी क्लास में जाते हो, जब आप बड़े हो जाते हैं, तो आपको सिर्फ 1 डॉट होता है। पहले तो आप लोगों को ऐसे ऐसे करके ज़्यादा सारे डॉट होते थे, आप उसके ऊपर ऐसे से बिल्कुल ट्रेस कर लेते थे, करते थे ना। जब आप नर्सरी में जाओगे, जब आप बड़ी क्लास में जाओगे, तो क्या होगा आप लोगों के लिए, वो आप बड़े हो जाओगे, आपके लिए सिर्फ 1 डॉट हो जाएगा। तो आपने 1 राइट करना होगा, तो कैसे राइट करोगे? अपने उसी डॉट से स्टार्ट करके स्ट्रेट लाइन आप नीचे लेके आओ, ये क्या हो जाएगा? 1। ये क्या वर्ड होगा? 1। अब सेकंड देखें, नंबर 2, 1 डॉट है, तो नंबर 2 कैसे राइट करेंगे टीचर? वहाँ पे आपके ऐसे 2 ऐसे डॉट्स होंगे छोटे छोटे से, तो आप क्या करोगे, इस छोटे वाले डॉट से स्टार्ट करोगे, एक ऊपर सेमी सर्कल बनाओगे। क्या बनाओगे? सेमी सर्कल। यानी कि एक तो ये आपका फुल सर्कल होता है ना, इसको आप हम हाफ़ कर दें, तो हाफ सर्कल को आप यहाँ नीचे से रेस कर दें यूँ, तो ये हाफ सेमी सर्कल हो जाता है। इसका ये फेस बनाएंगे, स्लांट लाइन करेंगे एंड गो बैक। कैसे? इसको अगर मेरा ये नहीं करें, मैं यहाँ से गो बैक, ठीक है जी। थर्ड पे देखें, थर्ड नंबर देखें आप ज़रा, फ्रॉम योर फर्स्ट डॉट, वहाँ पे आपके बुक पे ऐसे छोटे छोटे 3 डॉट्स होंगे, फर्स्ट डॉट के सेकंड डॉट से कैसे मैच करेंगे आप? दालदा की तरह, 1 कप अनदर कप, तो ये कौन सा नंबर है? 3। देखें सेम है ना, 3 एंड 3 सेम है ना, गुड। अब आप नंबर 4 की तरफ आए, छोटा सा स्ट्रेट 1, स्लीपिंग लाइन, अगेन छोटा सा 1, तो ये कौन सा नंबर हो जाएगा? 4। लाइक किस तरह का? सेम है ये भी। ओके जी, नंबर 5 की तरफ चलते हैं। ये क्या है डॉट? छोटा सा 1 कर्व स्लीपिंग लाइन, सेम 5। देखें सेम राइट किया ना टीचर ने, अच्छी प्रैक्टिस करवाई है ना। तो अब आप देखें जरा गौर से कि मैंने 1 के सामने 1 को 1 जैसा राइट किया है, 2 के सामने 2 जैसा राइट किया हुआ है, 3 के सामने 3 जैसा 3 राइट किया, 4 के सामने 4 और 5 के सामने 5। मज़ीद आपने क्या करना है कि आपने इसी तरह से मम्मा को कहना है कि मम्मा इसी तरह से एक्टिविटी मेक करके दें आपको, और आप उनके सामने इसकी प्रैक्टिस करें। ज़्यादा से ज़्यादा जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए बेहतर होगा, और आप लोग अपनी नेक्स्ट क्लास के लिए प्रिपेयर हो जाओगे, ठीक है जी। अपनी इसी तरह से जो भी प्रैक्टिस करोगे वो आप मुझे सेंड कर सकते हो, मैं देख के आपको उस पर स्टार मेक करके दूंगी और आपको गुड का साइन भी दूंगी, ठीक है ना। तो आप लोगों ने इसी तरह घर में प्रैक्टिस करनी है, और प्लीज़ कि आप लोग घर में प्रैक्टिस करें, ताकि आप लोग अपने नेक्स्ट क्लास के लिए रेडी हों, ठीक है जी। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।